वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं हरिद्वार के प्राचीनतम घाटों में से एक घाट, कुशाव्रत घाट। मे भी हो सकता है आप इस घाट के बारे में जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो में जान जाएंगे। साथ ही इस घाट से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। ये घाट हरकी पौड़ी के ऑलमोस्ट पास स्थित है और हाथी वाला जो पुल है उसके किनारे पर स्थित है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर स्वयं श्री राम भगवान जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया इस घाट पर, और साथ ही महाभारत काल के पांडवों ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी घाट पर किया था। कुशाव्रत घाट पर जाने के लिए आपको हाथीवाला पुल पार करके, यानी पार्किंग की साइड से अगर आप आ रहे हैं तो हाथीवाला पुल पार करके एक साइड में लेफ्ट साइड से रास्ता है और एक साइड में जो राइट साइड से रास्ता है, तो फिलहाल हम राइट साइड से जाने वाले हैं। इस साइड से अगर आप सीधे जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे हरकी पौड़ी पर, और ये हरकी पौड़ी के पास का ही घाट है जो कि सामने तरफ आप जो घाट देख रहे हैं ये गऊ घाट है, और इससे अगला घाट जो है वो सुभाष घाट है। तो ऐसे में हरकी पौड़ी के सभी घाट हैं ये मुख्य घाट। यहाँ से हरकी पौड़ी के मुख्य घाट ब्रह्मकुंड घाट की अगर दूरी की बात करें ऑलमोस्ट 100 मीटर होगी। अब यहाँ से जो सिंपल हमें जो लेफ्ट टर्न ले लेना, अब यहाँ से हमें हरी गंगा रत्न एम्पोरियम वाली गली में जाना है जो सामने तरफ सड़क देख रहे हैं, इस पर जाएंगे आगे की ओर, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो हमें फिर से यहाँ पर लेना होगा लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुश्किल से 70 मीटर दूरी होगी इस पुल से, यू टर्न लेके जस्ट जाना होता है। तो यहाँ पर कुछ पूरी वाले करके यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं जहाँ पर आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। तो इसके जस्ट बाद ही कुछ मीटर चलने में 20 मीटर मुश्किल चलना होगा जो यहाँ पर आ जाता है कुशाव्रत घाट, जो कि प्रसिद्ध घाट है। और देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं जो अपने किसी ना किसी कार्य के रिलेटेड आए होंगे, चाहे वो पितृपक्ष से रिलेटेड हो, चाहे वो पिंडदान से रिलेटेड हो, चाहे वो जनेऊ संस्कार इत्यादि से रिलेटेड हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गाय भी बंधी हुई है। जैसे यहाँ पर आप कोई संस्कार कर्म इत्यादि करते हैं उसके पश्चात आपको गौ सेवा करनी होती है, गौ को चारा या इत्यादि आपको यहाँ पर खिलाना होता है। कुशाव्रत घाट पर मुंडन, जनेऊ, पितृपक्ष से संबंधित जितने भी संस्कार, पिंडदान इत्यादि होते हैं, और उससे संबंधित जितने भी यहाँ पर सामग्री वगैरह जो लगती है उन कर्मों में, उन संस्कार में, वो सब यहाँ पर जो सामने मार्केट है उसमें मिल जाएगी। ऑलराइट, और मैं आपको बता दूँ यह वह स्थान है जहाँ पर मुख्यतः पितरों से तर्पण से संबंधित कार्य होते हैं। और ऐसे मुख्य स्थान जो कि अगर बात करें पूरे भारत में 3 स्थान हैं, बद्रीनाथ, गया और हरिद्वार। तो ऐसे में काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, ऐसा माना भी जाता है यहाँ पर स्वयं भगवान श्री राम जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी घाट पर किया था। और इसी घाट पर आपको वो पुरोहित भी मिल जाएंगे जिनके पास हजारों वर्षों पुराने बही खाते भी हैं, और सभी पुरोहित आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। इस घाट पर प्राचीन शिव मंदिर जो कि भगवान श्री दत्तात्रेय की तपस्थली या फिर उनके नाम पर एक शिव मंदिर है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा और आप दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक तीर्थ सिद्धपीठ भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली, भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ पर जो तप किया था, तपस्या की थी लगभग 10,000 सालों तक। तो यहाँ पर ये शिव मंदिर भी है, और कहा जाता है लगभग 10,000 सालों तक एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी, और यहाँ से जुड़ी एक कहानी भी है जिस वजह से इस घाट का नाम कुशाव्रत घाट पड़ा है। अब मैं आपको उस कहानी के बारे में बताता हूँ, उस कथा के बारे में बताता हूँ जिस वजह से इस घाट का नाम कुशाव्रत घाट पड़ा। गंगा आगमन के समय दत्तात्रेय ऋषि जो इस स्थान पर जो तपस्या कर रहे थे, और चारों तरफ कुशा ही कुशा थी, और कुछ कुशा उन्होंने अपने पास भी रखी हुई थी और अपना कर्म कमंडल, अपने वस्त्र इत्यादि रखे हुए थे। जैसे यहाँ पर माँ गंगा का आगमन हुआ, माँ गंगा स्थान पर आई, तो वो अपने साथ में उनके कर्म कमंडल और कुशा और उनके वस्त्र इत्यादि बहाकर अपने साथ ले गई, जिससे जो ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या भंग हो गई। और जैसे ही माँ गंगा को एहसास हुआ, वो किसी ऋषि की जो कर्म कमंडल कुशा इत्यादि अपने साथ बहाकर ले आई, तो उनको एहसास हुआ तो वापस फिर ऋषि मुनि के पास पहुँची और उनको उनके कमंडल और जो कुशा लौटाई। लेकिन ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या भंग हो गई थी जिस वजह से वो काफ़ी क्रोधित हुए, और इससे पहले भगवान ब्रह्मा आदि देवता ने परम भक्ति से जो ऋषि की स्तुति की, बहुत ज़्यादा स्तुति करने पर ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और सभी देवताओं से बोले यह श्रेष्ठ तीर्थ में आप लोगों का सदा वास रहेगा, और यहाँ पर गंगा ने मेरे कुशों को धारण किया, इसलिए इसे कुशाव्रत नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा ये घाट। तब से जो इस घाट का नाम कुशाव्रत
घाट के नाम से जाना जाता है, कुशावर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान और इसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसे में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं माँ गंगा की एक धारा जो उल्टा बहती है और एक चक्कर लगाने के बाद वापस गंगा की मुख्य धारा में मिल जाती है। बेसिकली यह वही स्थान है जहाँ पर माँ गंगा जब ऋषि मुनि के कर्म कमंडल को भाकर कुशों को भाकर अपने साथ ले गई थी और उसके बाद जब उनको एहसास हुआ तो वापस ऋषि मुनि के पास आकर उन्होंने वापस किया। तो ऐसे में आप उस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, यह वही धारा है। कुशावर्त घाट को कुशा घाट के नाम से भी जाना जाता है और इस घाट पर मुख्यतः श्राद्ध कर्म, पितृकर्म और पिंडदान इत्यादि इस घाट पर होते हैं और साथ ही जनेऊ और मुंडन इत्यादि भी इस घाट पर होते हैं। ऐसे में इस घाट पर पूरे साल भर देश विदेश से लोग आते रहते हैं और ऐसे में तो आजकल देखा जाता है विदेश से भी काफ़ी लोग फॉरनर्स वगैरह आते हैं जो पिंडदान इत्यादि करते हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में ये मुख्य घाट है। पूरे भारत में तीन स्थान हैं, बद्रीनाथ, गया और हरिद्वार। तो ऐसे में ये वो मुख्य घाट है जहाँ पर स्वयं श्री राम भगवान जी ने अपने पितरों का तर्पण किया था, पिंडदान किया था और महाभारत काल के पांडवों ने भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इसी घाट पर किया था। इस वक्त हम हैं हाथीवाला पुल पर जहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी और सामने देख सकते हैं कुशा घाट, कुशावर्त घाट इसी पुल से नज़र आता है। बट यहाँ से जाने के लिए उस घाट पर आपको साइड से आगे की तरफ से होकर जाना पड़ता है। ऐसे में आप इस पुल पर आएंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई भी इस घाट के बारे में आपको बता देंगे, साथ ही आपको इस घाट के बारे में स्कंद पुराण में भी आपको वर्णन मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब।